सो यहां पे देखिए, क्या आपको पता है कि आप सब लोग गुलाम हो? डू यू नो दिस दैट यू ऑल आर द यू नो स्लेव्स? हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर दैट यू आर स्लेव? यस, क्या बात करते हो, मेरे को लगा कुछ तो रेजिस्टेंस होगा मुझको नहीं, लगा नहीं, इंडिया सर, ये सर टाइम के स्लेव्स है ना हम लोग, बॉर्न स्लेव्स, बॉर्न स्लेव्स, करेक्ट। तो हुआ क्या है, पहले ना सब कुछ जो था वो लीनियर था। देयर वाज वन लाइट, एक ऐसा लाइट था जो एंड से, मतलब उसका कुछ अंत नहीं था, वो लाइट स्ट्रेट था। तो विष्णु और ब्रह्मा, ये दोनों में फाइट चल रहा था, ये दोनों में फाइट चल रहा था कि क्या मैं श्रेष्ठ हूं। सब लोग बोले थे, दोनों बोले थे कि मैं श्रेष्ठ हूं। तो दोनों ने एक रिजॉल्वमेंट लिया कि ये जो लाइट दिख रहा है, इसका जो अंत है, जो उस अंत को ढूंढेगा वो श्रेष्ठ। तो विष्णु जी ने अपना सफर चालू किया, ब्रह्मा जी ने अपना सफर चालू किया। तो शायद विष्णु जी डाउनवर्ड गए और ब्रह्मा जी अपवर्ड गए, और विष्णु जी जा रहे, उनको आखिर तक अंत नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ऊपर गए और उन्होंने बीच रास्ते में सोच लिया कि जाने तो मैं झूठ बोल लेता हूँ और मैं बोल देता हूँ कि मुझको अंत मिल गया। तो वापस आके उन्होंने डिक्लेयर किया कि आई गॉट द एंड, और विष्णु जी बोले तो यू आर द विनर, आई गॉट द एंड, आई वाज नॉट एबल टू फाइंड इट। उसी समय शिव जी प्रकट हो गए और शिव जी ने ब्रह्मा को बोला कि यू आर अ लायर, तुम झूठे हो, इसीलिए तुमको मैं ये श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। सो दैट इज हाउ द ब्रह्मा डजंट हैव एनी काइंड ऑफ टेंपल इन, मतलब वेरी फ्यू टेंपल और नन। अब ये जो लाइट था वो लीनियर था, जब ये लाइट था लीनियर, उस लाइट की एक दिन इच्छा होगी कि लेस एक्सपीरियंस समथिंग, चलो कुछ अनुभव करते। तो उस अनुभव के लिए उसने ले लिया बैंड, और देखो जो बैंड है ना वो करियर नेचर का रहता है, और वो बैंड से जैसे उसने बैंड लिया पूरी सृष्टि का जन्म हो गया, एवरीथिंग मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ दिस बैंड कर्व। इसलिए जो कुछ भी करवी चीजें है उन्हीं चीजों में मैनिफेस्टेशन की ताकत है, और ये कर्व जो है ना वो मस्कुलाइन नहीं फेमिनाइन एनर्जी को दर्शाता है। इसलिए फेमिनाइन बॉडीज भी ना करवियर नेचर की है, और फेमिनाइन मस्कुलाइन बॉडी जो है वो स्ट्रेटर बॉडीज है। इसलिए जिस लेडीज की, मतलब इट्स लाइक करवियर लेडीज को ज्यादा फर्टाइल माना जाता है, बिकॉज ओनली द कर्व्स हैव पावर टू मैनिफेस्ट समथिंग। इसलिए जो अलग अलग जन्म है उनको योनिया कहा जाता है, क्योंकि अगेन इट इज समथिंग, और फीमेल जेनिटेलिया को भी योनि कहा जाता है, कहीं ना कहीं ये सब चीजें जुड़ी हुई है। तो ये जो मैनिफेस्टेशन, अगर आप क्रिश्चियनिटी में जाओ, वहां पे भी जो सृष्टि का निर्माण हुआ है वो कहीं ना कहीं ईवा ने एप्पल खाया, मतलब वहां पे भी जो है वो सोर्स वही है। तो कर्व हर क्षेत्र में आप जाओगे तो कर्व का कहीं ना कहीं ऐसा सिग्निफिकेंस है कि शुरुआत वहां से हुई। तो कर्व से क्या हो गया, पूरी सृष्टि का निर्माण हो गया। अब ये कर्व क्या करता है, वापस जाना चाहता है, लेकिन ये कर्व अभी अटक गया है, ये सर्कुलर इसमें अटक गया। तो दुनिया में जो कोई भी चीजें एग्जिस्ट करती है उसका कारण है कर्व, और ये कर्व दर्शाता है आपका टाइम। इसलिए टाइम मेजर करने की जो सभी चीजें आप यूज करते हैं वो करियर नेचर की है। You talk about the earth rotation for the time, 24 hours, it is a career in nature. You talk about the earth revolving towards around the sun, it is 365 days, 1 year, it's a career in nature. You talk about your own cycle, ladies, you know, that is of 28 days, it is again with the sync, with in sync with the moon cycle. Matlab aapka janam, aapka mrityu, aapke life mein jitni bhi cheeze hoti hai, wo sabhi ki sabhi cheeze kahin na kahin time pe dependent hai, aur time ki hi gulam hai, isn't it? टाइम से इसी टाइम पे चालू होगा। इसी तरह से जो ये अपने एस्ट्रोलॉजर्स है वो आपकी पूरी जीवन कुंडली बनाते हैं, बिकॉज टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप सभी लोग सोचो, जब आपकी जन्म जो आपकी माँ के कारण हुआ है उनका साइकिल कहीं ना कहीं सन के मून के साथ एसोसिएशन में था, तभी आपका जन्म हुआ। जब सभी आपकी लाइफ की चीजें अगर टाइम पे डिपेंडेंट है, तो अगर कोई ऐसा डिवाइस जो टाइम दिखाता है, ऐसा डिवाइस जो टाइम से एसोसिएटेड है, क्या वो आपके लाइफ के बारे में कुछ बात नहीं करेगा? What is your take? Will it not talk about the something which is happening in your life? तो यही रीजन था कि हमने R&D किया रिस्क वॉच के ऊपर, और क्योंकि टाइम आपके जीवन में सब कुछ है, इस टाइम के कारण सब कुछ चीज आपके लाइफ में होती है। जो डिवाइस आपका टाइम दर्शाता है वो डिवाइस आपकी लाइफ में
अपना इन्फ्लुएंस डालता है और आपके लाइफ में वो सब चीजें होनी चालू होती है, जैसे हॉकी घड़ी। आप में से कितने लोग हैं जो रेड कलर का घड़ी पहनते हैं? How many of you wear the red color watch? So, जिनका रेड कलर का वॉच है, these people tend to do lot of work. काम बहुत करते हैं लोग, एंड इनको दिस पीपल आर वेरी गुड विद द स्पोर्ट्स। नीताजी क्या स्पोर्ट्स खेलते थे आप? विच काइंड ऑफ स्पोर्ट्स यू यूज्ड टू प्ले इन द पास्ट द लाइफ? सर मैं बास्केटबॉल नेशनल्स के लिए सिलेक्ट हो गई थी, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में थी तो प्रिंसिपल ने जाने नहीं दिया। सी मुझको वैसे पता यू आर गुड स्पोर्ट्समैन। यस एवरीथिंग एवरीथिंग ऑल स्पोर्ट्स आई यूज्ड टू डू। बेसबॉल भी मैं कैप्टन थी, सॉफ्टबॉल, ओ वाओ, थ्रो बॉल, एवरीथिंग, ऑल एथलीट गेम्स आई यूज्ड टू प्ले। इसीलिए देखो रेड कलर का घड़ी आप में से कितने रेयर है, कोई किसी के पास नहीं, राइट? ऑलमोस्ट नन। शी हैज इट एंड शी इज गुड विद द स्पोर्ट्स, सो दैट इज द पोटेंशियल। मतलब आप घड़ी कौन सा ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके लाइफ में क्या होगा। मेरे सबसे मेरे काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी इसमें हैं अभी। मे बी सुनीता गुप्ता वाज देयर, आई सॉ हर नेम, देन हेमंत आल्सो आई थिंक इज अ रिसर्च एनालिस्ट, हु एल्स इज देयर, ओके, अनीता जी तो है ऑलरेडी। सो ये रिस्ट वॉच जो है ऐसे, मतलब कई छोटी छोटी चीजें जो ये दर्शाती है कि आपके साथ क्या होगा। डू यू नो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द अर्थ? इट इज 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ द अर्थ। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड मून इन वन इज 10 टाइम्स द डायमीटर ऑफ मून। मतलब जो कुछ भी आपके लाइफ में हो रहा है ये कोइंसिडेंस नहीं है। It is already been mathematically done कि ये ऐसा ऐसा करेंगे ऐसा ऐसा हो जाए। So यही पे हम लोगों को घड़ी जो है इसको अगर हम therapeutic नजरी से देखेंगे तो अलग अलग तरह के चमत्कार अपने लाइफ में हम कर सकते हैं। Yes, नीले